इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जोधपुर में ट्रेलर आया नियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ा, ट्रांसफार्मर का ऑयल बिखरा सड़क पर। जयपुर के सामर लेक में महिला के जहर खाने से हुई मौत, पुलिस मामले की कर रही है जांच। झुंझुनू में डीएसपी ममता सारस्वत ने की कार्रवाई, डीएसपी की कार्रवाई से शहर में मचा हड़कंप। और पाली सादरी में स्वच्छता मिशन के 4 वर्ष पूरे होने पर निकाली स्वच्छता रैली, रैली के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी से मुलाकात करते हुए कहा कि स्वर्गीय परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का बीड़ा जो ब्रह्म कुमारी संस्था ने उठाया है वह सराहनीय है। ब्रह्मा कुमारी संस्था 10 सूत्रीय कार्यक्रम चला रही है, यह बहुत बड़ा कार्य है। इस पर ब्रह्मा कुमारी संस्था ने स्वच्छता के लिए चला रहे अभियान की जानकारी दी। इस मौके पर संस्था प्रमुख दादी जानकी संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी मौजूद थी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के सैकड़ों लोगों ने श्रमदान कर अच्छा अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई की गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अनुपा जोरवाल, प्रमुख पायल परशुराम पूरिया, एसडीएम निशांत जैन, ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारिणी सचिव बीके मृत्युंजय, बीके करुणा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बहुत अच्छा, हमारा नरेंद्र मोदी मेरा भाई, देखो भले दिल्ली बैठा है परंतु बुद्धि योग हम महात्माओं के साथ ऐसा है, जो कार्य परमात्मा हम बच्चों से कराता है वो आप साथ दे रहे हो मीठा भाई। ये कार्य सारा भारत तो क्या विश्व में ऐसा कार्य होता रहता है, होता ही रहेगा, क्यों जितनी स्वस्थ है उतना तन की बीमारी, मन की बीमारी, कोई बीमारी को खत्म करना हो ना तो यही स्वस्थता ही, कई प्रकार के जो भी बीमारी है नाराज को है, नाराज होना भी बीमारी है, ऐसे सब राजी रहे खुश रहे। लूणी झंवर पंचायत समिति लूणी के झंवर के जाटावास में स्थित बाबा रामदेव के मंदिर पर 19 सितंबर को मेले का आयोजन होगा। बाबा रामदेव के मेले में हजारों लोगों की संख्या में जनसैलाब उमड़ेगा। ये मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भरेगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। मेले में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ेगा। परिसर की साफ सफाई में युवाओं के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। जोधपुर जिले के जंवर गांव में बाबा रामदेव मंदिर जंवर जाटावास पर भव्य विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला 2003 से लगातार हर वर्ष भादसुदी दशम को भरा जाता है, जिसमें अनेकों गांव के लोग हजारों की तादाद में यहाँ मेला आते हैं और मेले का लाभ लेते हैं। इस वर्ष भी 19 सितंबर 2018 को वार बुधवार को यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला स्थल जंवर जाटावास में है।
जयपुर जिले के सांबर लेक कस्बे में महिला के द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला को सांबर स्थित राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला की पहचान माया देवी निवासी नेहरू कॉलोनी सांबर के रूप में हुई। सांबर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। झुंझुनू के रोडवेज बस स्टैंड के पास बेढंग से खड़े वाहन को हटाते हुए डीएसपी ममता सारस्वत ने मोर्चा संभाला है और नो पार्किंग में भी वाहन खड़ा करने वालों के चालान काटे। अचानक डीएसपी की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। इसके अलावा समय समय पर औचक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस को भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। झुंझुनू के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था, पार्किंग की जो समस्या है ना, वो मुख्य समस्या है। तो श्रीमान एसपी सर के आदेशानुसार सायंकालीन गश्त के अंदर थोड़ी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है और जो भी अवैध वाहन थे या जो गलत जगह पे पार्किंग की थी तो उनके चालान वगैरह किए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं, जिस तरह से समय मिलता है उस हिसाब से सायंकालीन गश्त के अंदर और थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। साचौर के केरिया गांव में चितलवाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 ग्राम स्मैक बरामद की गई, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर कार से स्मैक बरामद की गई थी उस कार की भी तलाश की जा रही है। आरोपी का नाम नारायणाराम पुत्र मसनाराम है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और खरीद फरोख्त को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बूंदी में जेसीआई बूंदी ऊर्जा की ओर से जेसीआई सप्ताह के तहत खोजा गेट मिडिल स्कूल में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्कूली बच्चों को कपड़े के थैले वितरित किए गए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सोनल नुवाल ने बच्चों को पॉलीथीन से होने वाली दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉलीथीन से प्रकृति और मानव जाति को हानिकारक नुकसान होते हैं, इसलिए पॉलीथीन का उपयोग ना करके कपड़ों की थैली और कागज की थैली का उपयोग लेना चाहिए। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर अनुकृति विजय, उपाध्यक्ष रानू खंडेलवाल, डॉक्टर अंकिता अग्रवाल, साधना न्यूआती, नेहा शर्मा, नीतिका माथुर, पूजा विजय, प्रीति दौलतवानी, मेघा नोवाल, रुचि सोमानी, प्रियंका मंडोवरा, नंदिनी विजय आदि मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बसपा और हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस से गठबंधन की खबरों को हवा दी है। उन्होंने झुंझुनू में पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में गठबंधन के विकल्प हमेशा खुले रहते हैं, सही समय पर यदि जरूरत पड़ती तो समीकरण बनते हैं, तो एक विचार वाले हम विचार लोगों को साथ देना पड़ता है, इसलिए फिलहाल इसमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। काजी निजामुद्दीन आज एक दिन की यात्रा पर झुंझुनू आए थे। झुंझुनू पहुंचने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काजी का सर्किट हाउस में स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और उनके बायोडाटा भी लिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए काजी ने बताया कि कांग्रेस राजस्थान में सभी 200 सीटों को जीतने के लिए चुनाव में उतरेगी। गौरव यात्रा तो बेकार का नाम उन्होंने दे रखा है। गौरव यात्रा निकाल रही है सरकार, जिधर हमारे किसानों की शव यात्राएं निकल रही हैं, तो बड़ा खेद का विषय है। इस समय मुख्यमंत्री जी को अपना काम करना चाहिए था, 5 साल उन्होंने नहीं किया, अब कुछ उसकी पूर्ति कर लेती वो नहीं कर पाई, और इस समय वो जहाँ जा रही हैं उनका पूरे प्रदेश में बुरी तरह जनता, लोकल जनता विरोध कर रही है। हम कांग्रेस ने जो एक बार कह दिया, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया, उसको कांग्रेस करेगी और इस स्टैंड पर हम लोग कायम रहेंगे। ये एक हर पार्टी का अपना एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हर पार्टी अपना टिकट वितरण करती है। कांग्रेस की भी अपनी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कांग्रेस अपना टिकट वितरण करेगी, लेकिन आज की तारीख में जनता में ये स्थिति है कि कांग्रेस के प्रति पूरी तरह एक लहर जहां हम जा रहे हैं वहां दिखाई दे रही है, तो उसके चलते हुए कांग्रेस तो जिम्मेदारी के साथ ये देखना चाहेगी कि हर जगह एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा जाए जो जनहित में जनता के लिए खड़े हो सके और राजस्थान के हित में जनता के हित में काम कर सके। हमें सर्वे की ना आवश्यकता, ना हमें जरूरत, ना हम इसमें विश्वास रखते हैं। हम लोग तो जनता की भावनाओं को समझकर जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे। सर्वे तो ये किताबी बातें हैं, इसमें हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़ेंगे और कुदरत ने कर दिया जब जीतेंगे तो फिर हमारा जो विधायक मंडल दल है वो तय करेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा।
अमित शाह जी, मोदी जी अपनी पार्टी को ये लगातार ये दौरे भी करते हैं, ये तो उस तरह से कॉरपोरेट स्टाइल में लोग काम करते हैं, जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। जोधपुर के मंडोर के पास नोमेल स्थित नागौर ओसिया फांटे के पास विद्युत ट्रांसफार्मर में जा रहे ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ा, जिसे ट्रक के पीछे रखे विद्युत ट्रांसफार्मर उछलकर नीचे गिर गए, जिसमें विद्युत ट्रांसफार्मर से भरा सारा ऑयल सड़क पर बिखर गया। वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को हटवाया। झुंझुनू में जब से हरियाणा सहित 5 राज्यों के बीच यमुना पानी को लेकर समझौता हुआ है, तब से झुंझुनू को मिलने वाले यमुना के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद संतोष अहलावत को कहा कि यमुना नहर के पानी को लेकर सालों से झुंझुनू के लोगों के साथ धोखा हो रहा है। यदि वास्तव में सरकार और सांसद यमुना का पानी झुंझुनू लाने की कवायद कर रही है, तो झुंझुनू की जनता को इसकी तारीख बताई जाए और यह तारीख चुनाव से पहले की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद की तारीख बता दी जाए और चुनाव के बाद एक बार फिर यमुना नहर के पानी का मुद्दा गायब हो जाए। उन्होंने कहा कि असल में सरकार किसी भी रूप में यमुना का पानी झुंझुनू लाने के मूड में नहीं है। यमुना के ऊपर बार बार सुनते सुनते हम जब बच्चे थे छोटे छोटे, तब यमुना के बारे में सुनना शुरू किया था। पीने का पानी तो आ गया, लेकिन हमने कहीं क्यारी हुई सींचते हुए नहीं देखा है। तो वसुंधरा जी भी यही बात कहती थी कि पानी आएगा, और संतोष जी भी यही कहते पानी आएगा। आएगा कब? हमारी आंखों में तो आया नहीं पानी, न हमारी ज़मीन पर आया। अब ये पानी कहाँ कागजों में घूम रहा है, तो कागजों में ये केवल जुमलाबाजी करके और गुमराह करके हमें ये कहना चाहते हैं कि मुझे वोट चुनाव जिता दो, मैं यमुना का पानी लेके आ रही हूँ। हम केवल इन बातों में जुमले में आने वाले नहीं। एक बार जनता आ गई थी 2013 में और 14 में, अब ये जुमला ख़त्म हो चुका है, 18 और 19 में नहीं आएगी। और संतोष जी ये कहते हैं कि मैं मेरे सामने आए तो हम तैयार हैं डिबेट करवा ले, और डिबेट करवाएंगे तो हम उनके सामने बता देंगे पानी कहाँ है और कब तक आएगा, कट ऑफ डेट देना। ये राइडर नहीं लगवाएंगे कि उस समय तक आ जाएगा, हम राइडर नहीं चाहते। हम ये चाहते कट ऑफ डेट दीजिए और चुनाव से पहले की दीजिए, पानी हमारे आ जाएगा। पाली के सादरी क्षेत्र में नगर पालिका सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान के 4 वर्ष पूरे होने पर सादरी नगर के आज स्वच्छता अभियान के उपलक्ष्य में स्वच्छता रैली निकाली गई, जिसमें पालिका के साफ सफाई कर्मचारियों ने रैली के माध्यम से लोगों को सफाई व्यवस्था को लेकर जागरूक किया। साथ ही पूरे नगर में ये रैली निकाली गई। स्वच्छता मिशन में अपनी भागीदारी निभाने और जागरूक होने का आह्वान किया गया। इस रैली में समस्त सफाई कर्मियों ने हिस्सा लिया। श्रीगंगानगर के घड़साना कस्बे में गंदगी के आलम को दूर करने के लिए व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन दुग्गल जनवरी से प्रयासरत थे, लेकिन कस्बेवासी ने अपनी आदतों से मजबूर थे। कस्बे में गंदगी को हटाना तो दूर और फैलने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसे देखकर वे काफी आहत हुए और इस अव्यवस्था के खिलाफ अध्यक्ष किशन दुग्गल द्वारा कड़े कदम उठाए गए। अब जो भी शख्स कस्बे में गंदगी फैलाएगा, उस व्यक्ति को 500 रुपये जुर्माने में दंड होगा। गंदगी फैलाने की सूचना देने वाले व्यक्ति को 200 रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा। सफाई व्यवस्था में पूरा इलाका जो है मंडी का वो सहयोग कर रहा है, लेकिन कुछ आदतन लोग हैं जिनको गंदगी फैलाने में बहुत मजा आता है। उनको बाजार में बंद किया है, 100 रुपये रसीद काटते थे जुर्माने की, उसके बाद वो व्यापार मंडल के पीछे और सोसाइटी के पीछे कचरे के ढेर लगाने लग गए, जिससे आने वाले लोगों को बहुत आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है, और गाय गोदे वो थैलियाँ खा के मर रहे हैं और आपस में टकरा के लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने वहाँ 500 रुपये जुर्माना रखा है। आज के बाद कोई भी वहाँ कचरा रखता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और 200 रुपये पकड़वाने वाले को इनाम दिया जाएगा। बीकानेर के देशनोक नगर पालिका के निर्देशानुसार आज स्कूली बच्चों द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना रैली निकाली गई।
राजकीय कर्णी आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के व्याख्याता संजीव कुमार और धनराज साधु की देखरेख में विद्यालय के छात्रों द्वारा देशनोक नगर पालिका से शुरू हुई रैली कस्बे के सदर बाजार स्थित मुख्य मार्गों से होते हुए नगर पालिका पहुंची। रैली समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशनोक पालिका अधिशासी अधिकारी चंद्र प्रकाश सारस्वत ने छात्रों को बताया कि जल स्वावलंबन योजना के तहत किस प्रकार जल संरक्षण और जल बचाव किया जा सकता है। सारस्वत ने कहा कि आज के इस दौर में घटते जल स्तर से निजात पाने के लिए जल संरक्षण और जल बचाव अति आवश्यक है। कार्यक्रम में रैली में शामिल बच्चों को फल वितरित किए गए। इस अवसर पर देशनोक नगर पालिका अध्यक्ष कानाराम घुंगरवाल, पालिका के कनिष्ठ अभियंता भंवरलाल मीणा, संविधान सुरेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बन रही है। तब तक लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्य न्यूज।